दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के जन्म, उनके गोकुल में बसने की और नंदगांव चले जाने की पूरी कथा को सुनाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मथुरा मुख्यतः आज साक्ष्यों के आधार पर कुषाण काल की बनी हुई है। कुषाण काल जो कि मौर्य काल के बाद आया और उसके बाद आया गुप्त काल, तो कुषाण काल के मिले हुए सिक्के, उनकी बनी हुई मूर्तियाँ आज बहुतायत में उत्खनन में मिली हैं। हालांकि पुराणों के अनुसार यहाँ सूरसेन राज्य हुआ करता था, उस पर उग्रसेन नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। उग्रसेन के एक भाई और थे देवक, उनकी कई सारी पुत्रियाँ थीं जिनमें दो प्रमुख जिनका नाम आता है रोहिणी और देवकी। देवकी की शादी वासदेव नाम के एक उग्रसेन के ही मंत्री के साथ हुई थी। उग्रसेन के बेटे कंस को यह जब आभास हुआ कि देवकी और उसका पति वासदेव कहीं गद्दी न हत्या ले और मेरी हत्या न करवा दे, इसलिए उसने उन दोनों को कैद में कर लिया और अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। वह दोनों को मारना भी चाहता था, लेकिन देवकी के आग्रह पर उसने उसका मारना कैंसिल कर दिया और उसके पुत्रों का इंतजार करने लगा कि इसके पुत्र होंगे, उनको मैं मार दूंगा। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार भी दिया, लेकिन 7वां पुत्र जो कि वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, उसको किसी प्रकार बचा लिया गया और देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण के रूप में हुआ, जिसे नंद बाबा जो कि वासुदेव के मित्र थे उनकी सहायता से यहाँ गोकुल में ले आया गया और यहाँ मैया यशोदा जो कि उसकी कृष्ण श्री कृष्ण की पालक माता हैं, उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। बदले में उन्होंने यशोदा मैया ने अपनी बेटी महामाया को कंस के पास भेज दिया, जिसे कंस ने कृष्ण समझकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ये वीडियो में जिस समय आप जो देख रहे हैं ये गोकुल है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर, छोटा सा गांव, और ये मथुरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, यमुना के बिल्कुल जस्ट बगल में है और यहाँ पर एक बैराज भी बनाया हुआ है। ये वो नंद महल है जहाँ बताया जाता है कि वो मैया यशोदा रहती थी, नंद बाबा रहते थे और गो श्री कृष्ण का यहीं लेकर आए थे श्री कृष्ण को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय वीडियो में जो आप महल, नंद महल देख रहे हैं या गोकुल देख रहे हैं, ये वो गोकुल नहीं है जो श्री कृष्ण के समय हुआ करती थी। ये सारे भवन बहुत ही हाल ही के वर्षों में बनाए गए हैं, प्रमुख श्रद्धालुओं द्वारा बनवाए गए महल हैं या भवन हैं, और उस समय की गोकुल आज मौजूद नहीं है, उसके अवशेष भी नहीं मिले हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर पूरी तरह आज से 600 वर्ष पहले एक जंगल हुआ करता था। मथुरा नगर की खुदाई में अब तक जो भी सामान मिला है वो मौर्य काल, गुप्त काल या फिर कुषाण काल का मिला है। वहीं के सिक्के, उसी की मूर्तियां आज हमारे पास संग्रहालय में मौजूद हैं। आ गए हम नंद बाबा के महल पर, जहाँ बताया जाता है कथा के अनुसार कि वासुदेव उनके पिताश्री ने ये श्री कृष्ण को एक बच्चे के रूप में इनको थमा दिया नंद बाबा को, और नंद बाबा ने लाके यशोदा मैया की झोली में रख दिया, जिन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था, उस बेटी को जेल पहुँचा दिया गया। ये वही स्थान है, मेरे बाईं ओर यमुना नदी बह रही है और इसी यमुना नदी में उस रात जो कि एक बहुत ज़्यादा जल प्रवाह था, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, उसी नदी को पार करके नंद बाबा जो है श्री कृष्ण को यहाँ लेके आए थे और यहीं पर वो किलकारी गूंजी थी। तभी कहा जाता है कि नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ये वही नंद महल है जहाँ पर ये आवाज़ गूंजी थी। तो चलिए अब हम चलते हैं उस महावन की ओर जहाँ के वो बाल्यकाल में गाय चराने जाते थे। यहाँ आप चारों तरफ दही, दूध, मक्खन, मिठाई, ये सारी चीज़ें भरमार आप देखेंगे, लस्सी खूब ज़्यादा मिलेगी। इसका मुख्य कारण है यहाँ की यमुना नदी, और यमुना नदी के किनारे काफ़ी सारा खेत और वन क्षेत्र जहाँ की पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है। आज भी आप यहाँ देखेंगे कि मथुरा शहर के आसपास यमुना नदी के किनारे मुख्यतः जाट, यादव और गुर्जर जाति के लोग रहते हैं जो कि पशुपालन करते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय यही है। और जहाँ तक बात आती है ये राधे राधे और श्री कृष्ण की गूंज की, तो इसका मुख्य कारण है वो है हमारा साहित्य, पौराणिक साहित्य। उस साहित्य की कथा इतनी ज़्यादा भक्ति काल में इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई कि यहाँ जन जन में
राधे राधे की गूंज, श्री कृष्ण की गूंज आपको सुनाई देती है। और यदि आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारी हरियाली है, यमुना का प्रभाव है, उस हरियाली के कारण यहाँ पशुपालन भी काफ़ी होता है। और ये रोड अब सीधे जाता है महावन की ओर। ये महावन पूरा क्षेत्र आज काफ़ी आपको यहाँ भवन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज से 600 वर्ष पहले यहाँ पूरी तरह जंगल हुआ करता था। यहाँ केवल पशुपालन ही करने लोग यहाँ आया करते थे। इसी महावन क्षेत्र में है रमण रेती, और रमण रेती इस वजह से कि यहाँ पर रेत में ग्वाले रमण किया करते थे, खेला करते थे। गोकुल से कोई 3 किलोमीटर दूर पे एक और जगह है जिसे हम पुरानी गोकुल के नाम से जानते हैं। मावन क्षेत्र में यहाँ एक 84 खंभों की छतरी है जो कि 11वीं सदी में राजपूत काल में बनाई थी राजपूत शासकों के द्वारा। और यहाँ ये पुराने पत्थर आप छतरी में देख सकते हैं। यहाँ पे आज काफ़ी सारे मंदिर बन गए हैं, अगल बगल में आश्रम बन गया है, काफ़ी सारे लोग यहाँ श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ निवास भी करते हैं। लेकिन यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो है 11 खंभों की ये छतरी, 11 खंभों की छतरी वाला ये भवन, ये मंदिर। 84 ये खंभों का ये जो महल आप देख रहे हैं ये लगभग 100 साल पुराना है। काले काले पत्थर से आप इसकी बनावट भी देख सकते हैं। गोकुल और महावन क्षेत्र में रमन रेती से कोई 4 किलोमीटर दूर यह 84 खंभा के नाम से जाना जाता है। ये महावन क्षेत्र है जो कि श्री कृष्ण का और उनके अन्य गोपी गोपिकाओं के साथियों का एक भ्रमण क्षेत्र हुआ करता था, जहां वो गाय चराने आया करते थे और अपने साथियों के साथ खेला करते थे। यमुना के तट पर प्राकृतिक सुंदरता के बीच में आप यहाँ पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में मगन लोगों को देख सकते हैं। दूध दही का यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलन है। हम लोगों ने भी लस्सी आजमा ली। लस्सी यहाँ मुझे भी बहुत प्रिय है और यहाँ जो भी आता है लस्सी जरूर पीता है। उसके अलावा नदी में बोटिंग करना अपने आप में एक अलग आनंद देता है। यहाँ पर आप एक चीज़ जरूर गौर करेंगे कि भक्ति में एक अलग आनंद है। भक्ति में संगीत है, मस्ती है, मौज है, सुख है, प्रसन्नता है और यही हमारे जीवन का सुख भी है। उन कथाओं की सच्चाई क्या है, वो कब थी कब नहीं थी, साहित्य ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, किसने क्या लिखा, ये सारी बात की बात है। मुख्य चीज़ है आनंद। और आप जब मथुरा आएंगे तो आपको ये आनंद जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि ये आनंद ही तो परमेश्वर है, ये आनंद ही तो मुख्य जीवन है, इसी आनंद के लिए तो हम जी रहे हैं। तो आइए मथुरा नगरी आपका जो है स्वागत कर दिए। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में आपको ब्रह्मांड घाट की यात्रा कराएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए धर्म समाज संस्कृति की यात्रा करने के लिए सत्य के सफर में। तब तक के लिए राधे राधे।